हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, सेकंड डे व्लॉग हम शुरू करते हैं अपना इंटर्नशिप का। तो गाइस, अभी सबसे पहले मैं आधे घंटे पहले उठा था, तो सबसे पहले गाइस मैं थोड़ा रिफ्रेश होके पानी वगैरह पी के, और गाइस हम अपना जिम करेंगे। जिम का देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास थोड़े बारबेल रॉड रखी है और उसके साथ प्लेट्स रखे हैं 10-10 kg की। ये मेरे पास डम्बल्स रखे हैं 5-5 kg के। तो गाइस, इससे हम जिम करेंगे। तो गाइस, फिर आपसे जिम करने के बाद मिलते हैं। तो गाइज, हम रेडी हो गए हैं, 10 बज गए हैं भाई ऑलरेडी। हम लेट हो गए हैं, 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। तो चलिए गाइज, आपको सीधा है ना अब वाल्मीकि बस्ती पहुंच के दिखाते हैं, क्योंकि आज रास्ते में दिखा पाएंगे, काफी लेट हो गए हैं। ठीक है गाइज, चलो बाय। तो गाइज, हम आज लेट हो गए हैं। आज तो फिर मैं एम गेट वाले गेट की से नहीं जा रहा, आज मैं सीधा शॉर्टकट मारूंगा, इस वाले गेट से चलते हैं जो सामने वाला गेट है ना। भाग भाग के चलते हैं भाई, लेट हो गया आज। एब्सेंट लग जाए भाई। ये गाइस OBH की पार्किंग है, OBH के जो आगे वाला है ना, ये वहाँ की पार्किंग है, स्टाफ पार्किंग। ये गेट नंबर 2 है। ए भाई, शहीदी पार्क सेम, थोड़ा सा सेम रूटीन होएगा गाइस, थोड़ा मैनेज करना एक दो हफ्ते के लिए। सीधा आपको PHC में मिलते हैं। तो गाइस, प्राइमरी सेंटर से जाने के बाद हम वाल्मीकि बस्ती गए थे, जहाँ पे हमारे सीनियर रेजिडेंट सर ने वहाँ के लोकल पीपल को स्पीच दिया था कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे आसपास अपने क्लीनिनेस मेंटेन करनी चाहिए, तो और कैसे आपको प्लांट्स उगाने चाहिए अपने एरिया के आसपास, अपने हाउसेज के पास। तो वो गाइज आप क्लिप देखना, उसके बाद आपको शाम वाले जामा मस्जिद वाले ब्लॉग में लेके चलेंगे। ठीक है गाइस, हो जाती है कि हम लोग को स्कूल बंद करना पड़ता है, ये सबका रीजन है पॉल्यूशन। गांव में जनरली ये सब नहीं होता है, और इसका ये है कि गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और यहाँ अभी पॉपुलेशन वगैरह बढ़ने से पेड़ कट रहे हैं और मकान वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये सब के चलते। और ठंडे के दिनों में पराली जलाने या फिर कुछ भी जलाने, प्लास्टिक जलाने, ये सबसे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम लोग इसको एटलीस्ट कम कर सकते हैं, और प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं, सब्जी वगैरह के लिए अपने जूट के बैग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जगह नहीं है पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम गमले में छोटे छोटे पौधे सब्जी वगैरह, उससे आपको सब्जी भी मिल जाएगा और थोड़ा पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, पोस्टिंग अटेंड करने के बाद PSM की, आज हमने सोचा है कि थोड़ा बहुत अंधेरा सा तो हो गया है, थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठीक शाम सी हो गई है, अब टाइम हो रहा है 6:47। तो अभी हम सोचते हैं जामा मस्जिद घूम के आएंगे, और फिर साथ वाली मार्केट में मैं आपको दो स्पेशल चीज़ें दिखाऊंगा वहाँ पे। एक तो है भाई अपना मोहब्बत शरबत, और दूसरा शाही टुकड़ा जो मेरा फेवरेट है। तो क्या व्यू आता है भाई रात को, मस्त है ना, दूर से कितना बढ़िया दिखता है। मैं गया नहीं इसके अंदर कभी, लेकिन देखते हैं, ये मार्केट है थोड़ी, मैं अंदर नहीं गया कभी, देखते हैं यार कैसा मिलेगा, मस्त मिलना चाहिए। बड़ा ही कितना है भाई, 3-3 तो टूम है इसके। चलो गाइस, ये आपको इसका दूर से व्यू दिखा दिया, अब सीधा है ना इसकी एंट्री से आपको दिखाएंगे। ठीक है, बहुत फेमस है यहाँ का कुरेशी कबाब कॉर्नर भाई, यहाँ की मार्केट कितनी ज्यादा बड़ी है यार। इसके कबाब बहुत बढ़िया मिलते हैं, मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए हैं। ये एंट्री है भाई, यहाँ की सेवैया है, एंट्री मिल जाए। मस्त है, दूर से और अच्छा लग रहा है। टिकट वगैरह तो नहीं देनी पड़ेगी, बस क्यों देनी पड़ेगी, नहीं। ओ भाई साहब, क्या यू आ रहा है,
अंदर चलते हैं भाई। मस्त व्यू आ रहा है भाई साहब। भाई ये तो पूरा दिखाना है यार भाई, क्या चीज है यार। कितना बड़ा है भाई, इसके एंट्रेंस देखो भाई, सिमेट्रिकल तो है ये, क्वाड्रिलेटर के लिए सिमेट्रिकल है। जूते ही निकालने पड़ेंगे। बाकी माँ कसम क्या फील आ रही है भाई। पेटे भी क्या लग रहा है भाई। ये आ गया इसका बिल्कुल फ्रेम वाला। बाकी भीड़ इतनी ज्यादा है, इन्हें खाली कराने में टाइम लगाया, लग जाएगा जब तक घूम ही लेंगे। रमजान के महीने में बहुत भीड़ होती है काफी, स्पेशली तीन का बीच का कोई पूल एरिया। भाई क्या ही फील आ रही है यार। ओ माय गॉड, ये इनका कुछ पूल एरिया गाइस, इसमें मुआदने होते हैं। और क्या है, पीछे जाके चलते हैं। भाई मस्त जगह है भाई, फील आ गई। अच्छा इसकी वहां से भी एग्जिट है, उसके अंदर भी जा सकते हैं क्या? वैसे तो लेट हो गया भाई, क्या ही है। क्या एंट्री है भाई, बाहर एक एंट्री फिर अंदर एक एंट्री, उसके अंदर एक और एंट्री। ऐसी ताजमहल वाले हैं कॉर्नर वाले, जो इनके टॉवर्स हैं, कुछ ना कुछ तो भाई कंसेप्ट रहती है होंगे। और भाई देखे एक चीज बढ़िया, ऊपर ही मून है। देखो गाइस, बस एक स्टार और हो जाता ना भाई साहब, मजा आ जाता। और तो कुछ नहीं है शायद से अंदर, आई गेस डोनेशन वगैरह है। अच्छा यहाँ पे सामने आप बैठ के दुआ मांग सकते हैं। सही है सही है। यहाँ पे जाते हैं, क्या व्यू आ रहा है यार। सही है यार। अच्छा अच्छा कहीं पे भी बैठ जाइए, यहाँ पे आई गेस ये जो है रेक्टेंगल से सामने बैठ के आप दुआ मांगिए। बंद होने का टाइम आ गया। ये है भाई जामा मस्जिद। भाई मेरा तो दिल आ गया। ये इसकी एंट्रेंस है जहाँ से आए थे। भाई भाई ये क्या ये एंगल है ना इस साइड से, अगर ऐसे एंगल लिया जाए, ये वाला एंगल अच्छा है। मुझे तो वो गाने की याद आ गई, कुन फायर कुन वाला, बताना रॉक स्टार मूवी का। तो गाइस कैसा लगा आपको जहाँ मुझे, यहाँ से भी देखते हैं। वैसे ये मार्केट का व्यू आपको दिखा देते हैं, यहाँ से वहाँ से शुरू होता है मार्केट उस वाले से। और ये पूरा ये भाई ये जो सामने वाले भाई भीड़ देखो यार भाई, रात के चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए, ये जामा मस्जिद वाली मार्केट कभी नहीं सोती भाई। भाई पता है इस टाइम आने का क्या फायदा है, जब रमजान का महीना चल रहा है तो उन्होंने सबसे ज्यादा रखा है यहाँ पे है ना। मैं स्पेशली इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि शाही टुकड़ा इस जगह का सबसे फेमस है। मिल तो बहुत जगह जाते हैं, नॉन वेज के बारे में भाई मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। शाही टुकड़ा आते वक्त आएंगे। ये फिर शाही टुकड़ा, मोहब्बत है सर पे तो शाही टुकड़ा और सेवैया और जो बाकी नॉन वेज डिशेज होती है, ये तो यहाँ पे क्लासिक भाई सबसे बेस्ट यहाँ पे मिलती है। यहाँ की शाही टुकड़े की दुकान है भाई ये भी,
बिल्कुल जाओ मैं जिसके सामने देख लेना। क्या रेट है भैया शाही टुकड़े का? 40 रुपए का 100 ग्राम है, 70 का प्लेट। 40 का लगाना है। कितना मिलेगा 40 में छोटे वाली? देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है, इतना सजा रखा है अच्छे से। भाई ये मिलता है 40 रुपए में, 40 रुपए में 100 ग्राम शाही टुकड़ा है। भैया से पूछ लेते हैं, भैया कैसे बनता है, क्या क्या होता है इसमें थोड़ा बताएंगे यार? ब्रेड, खोया, दूध, क्रीम, मलाई और एक घी। जो मलाई वाला घी होता है वो? थैंक्स। क्या रेट है भैया? ये छोटे वाला के सारे एक ही स्टैंडर्ड साइज है, 20 का है, बड़ा वाला 30। ये मैं ब्लॉग बता रहा हूँ, व्यूअर्स को बता सकते बनता कैसे है, क्या क्या डलता है इसमें, क्या क्या देर कर दी, मैंने माल भी डाल दिया। क्या कर दिया? अब मैंने माल डाल भी दिया बनाने के लिए। अरे कोई नहीं, आप बता दीजिए क्या क्या डलता है, ऐसे बता दीजिए। दूध डलता हुआ एक तो भैया, अमूल दूध डलता है, रुआसा डलता है इसमें। अच्छा, और इसमें वाटरमेलन डलता है। अच्छा, वाटरमेलन का जूस बना के क्या, पीसीस वाला? अच्छा अच्छा, मोहब्बत डलती है, बिना मोहब्बत के नहीं बनेगा, मजा। तो गाइस आपने सुन लिया, बिना मोहब्बत के जैसे भैया बोल रहे नहीं बनेगा, मोहब्बत जरूरी होनी चाहिए ना। भाई जो मोहब्बत है सर बता रहा हूँ, मैंने बहुत फूड ब्लॉग को देखा था, मतलब मुझे ना वो पाई सबसे बेस्ट लगता है, बोलते हैं हमको मतलब सब तुम इंग्रेडिएंट्स कर लो, जब तक नहीं बनेगा तो किसी मोहब्बत नहीं मिलेगी। आई होप गाइज आपको आज का भी ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं डेली अपलोड करूंगा गाइज अपने ब्लॉग्स, तो आज आप आई हो आपको दोनों पार्ट पसंद आए हो, एक PSM वाला पार्ट और सेकंड आपको जामा मस्जिद वाला नाइट ब्लॉग, नाइट व्यू कितने बढ़िया थे गाइज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मुझे कैसे कैसे इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि गाइज अभी मैं न्यू भी हूँ ब्लॉगिंग के मामले में। एंड गाइज हम इस वीडियो पे 50 लाइक्स का गोल रखते हैं, तो गाइज 50 लाइक्स करवा देना, क्योंकि गाइज की जब है।